नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको बहुत पुराने जमाने की एक कहानी सुनाने जा रही हूं और हमारी कहानी का शीर्षक है समदर्शिता। ये कहानी अंग्रेजों के भारत में आने से भी कई साल पहले 16वीं शताब्दी की है, जब महाराष्ट्र के पैठन गांव में संत एकनाथ जी रहते थे। वे जात पात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि सबको समान भावना से देखा करते थे। एक बार एक हरिजन कन्या उनके पास आकर बड़े ही भक्ति भाव से बोली, मैंने सुना है कि आपके घर में भगवान पानी भरते हैं, मगर मुझे तो कभी दिखाई नहीं देते। देंगे भी कैसे, मैं आपकी तरह कोई संत महात्मा थोड़े ही हूँ। मैं आपको ही भगवान मानूंगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारकर हमारी रूखी सूखी रोटी और चटनी का स्वाद ले सकेंगे। एकनाथ जी ने उसे सहर्ष स्वीकृति दी। वे उसके घर गए और उन्होंने बड़े ही आनंद से उनके घर में भोजन भी किया। यह बात सारे गांव में फैल गई थी। एकनाथ जी ने एक हरिजन के घर में भोजन किया है। यह बात उस जमाने में भला धर्म पंडितों को कैसे अच्छी लगती। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने एक मत से निर्णय लिया कि क्योंकि एकनाथ जी ने ब्राह्मण होकर एक हरिजन के घर में जाकर भोजन किया है, इसलिए वह भ्रष्ट हो गया है। अब वह ब्राह्मण ही नहीं रहा, इस कारण उसका बहिष्कार किया जाए। किंतु एकनाथ जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद पितृपक्ष आया। एकनाथ जी ने प्रतिवर्ष की भांति ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, परंतु वह लोग एक भ्रष्ट ब्राह्मण के घर भला कैसे आते। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। एकनाथ जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने पितरों का आह्वान किया। तब पैठन गांव के सभी ब्राह्मणों के मृत पिता, दादा, परदादा उनके घर भोजन करने आए। यह बात उन ब्राह्मणों को मालूम हुई तो वे बहुत लज्जित हुए कि हम जहां नहीं जा रहे हैं, हमारे मृत पूर्वज एकनाथ जी को ब्राह्मण स्वीकार करते हुए उनके घर भोजन करने गए। उन्होंने भी एकनाथ जी से क्षमा मांगी और उनके साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगे। तो बच्चों बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जात पात ऊंच नीच के भेदभाव तो इंसान को छोटा बनाते हैं। जब स्वयं ब्राह्मणों के पूर्वज जो भगवान तुल्य हैं, वे ऊंच नीच जाति में भेद नहीं करते, तो भला कोई भी इंसान को ये अधिकार कैसे हो सकता है कि वो किसी को जाति के आधार पर अपने से हीन माने। हमें भी अपने आसपास सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। तभी तो हम सब साथ साथ खुशी खुशी रह सकेंगे, है ना बच्चों? आज की कहानी में बस इतना ही। इसी के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ भारती।